और जी पांच बच्चों जो है वो है आशिक। शॉट हवा में खेला और लपक लिया वहां पर आशिक ने, आशिक वहां पर छोड़ दिया उनका हाथ के लिए। अब तो हमेशा उनका खेल मुझे लग रहा है क्योंकि अभी दो ओवर से कुछ ठीक नहीं है, जब तक बिल्कुल असंभव सा जरूर लग रहा है, लेकिन यहाँ पर तारीफ करने उठा मैं इतना लोग उनको पूरी तरीके से शिकंजा कस लिया है श्रीनगर के खिलाफ। हमने तो जीत बिल्कुल करीब है, हिम्मत का हारे यही वजह है कि श्रीनगर तकरीबन 170 के करीब है। ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर टी ट्वेंटी हो रहा है, बिल्कुल टेस्ट नहीं। हम इनसे दो तीन सवाल आप पूछेंगे, हमें उम्मीद है कि ये उनके उनका जवाब देंगे। आमिर साहब आपका वेलकम है, आजान साहब के बाद क्रिकेट में वापसी की है और वो भी आपने नाइट के ग्राउंड से की है, आपने 47 रन की नाबाद इनिंग इसके लिए अपनी टीम को जीती और इस ग्राउंड के बारे में स्पेशली यहाँ के क्रंच के बारे में जो सत्यूर आपके लोगों से मिला उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं सबका शुक्र गुजार हूँ जिन्होंने, बड़ी बात है एट द एंड चाहे कोई भी हारे कोई भी जीते गेम जीती, आज जीत गेम की हुई है और मैं चाहता हूं कि हमेशा गेम की ही जीत हो जाए और इस ग्राउंड में ये टूर्नामेंट तो शुरुआत नहीं था, आज हम जो आज तक खेलने के लिए बिजी रहा, लेकिन अब ये टूर्नामेंट वगैरह है क्रिकेट एक्सरसाइज रहेगा और मैं उम्मीद करूंगा जो हमारे छोटे बच्चे हैं 9 से लेकर 16 साल के एज ग्रुप में जो वल्नरेबल होते हैं उनको ताकि उनका जो फिजिकल फिटनेस है वो भी रहे और वो अपने एकेडमिक्स में अपने टीचिंग में भी क्रिकेट एसोसिएशन नाइट की वसादत से और एमसीसी मुस्लिम क्रिकेट क्लब की वसादत से हमारे एक होनहार जो हमने ली आज हमें नहीं है लेट बिलाल अफवानी साहब जिनके नाम पे ये खोला गया था, आज इसका इनाग्रेशन पेज था जो आरसीसी श्रीनगर वर्सेस नाइट के 11 के दरमियान जिसमें नाइट की टीम ने जीत हासिल की है। ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट है इट इज़ बेसिकली इन द मेमोरी ऑफ लेट बिलाल वानी साहब जो एक मंझे हुए क्रिकेटर रहे हैं, फुटबॉलर रहे हैं, वॉलीबॉल रहे हैं और आप अगर इधर कैमरा घुमा सकते हैं उनकी जब डेथ हुई वो ड्यूरिंग वॉलीबॉल खेल रहे थे तो उनकी वो डेथ हुई, उनकी मेमोरी में ये जो हमारा ये सपोर्ट्स एसोसिएशन नाइक है उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया क्रिकेट टूर्नामेंट का इनका किया और इसकी आपकी वसादत से हम तमाम जो वादी कश्मीर की क्रिकेट टीम है उनको दावत देंगे इधर आए इस खेल में हिस्सा ले, इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले और हमें खिदमत करने का मौका है। तो हम चाहते हैं कि जो पार्टिसिपेट करें इसमें तो इससे हमें खेल के रुझान बढ़ेगा और लोगों में जो खेल की तरफ लोग कम आ रहे हैं तो मकसद है कि वो खेल की तरफ आए अपने बच्चों को भी इसमें हिस्सा लेने की, किस टाइम हम जो हमने ऑर्गेनाइज किया है जो जितनी भी टीमें आई हमारे पास उनका रिकॉर्ड भी मौजूद है तो आने वाले दिन में पता चलेगा कि कितनी लास्ट में कितनी टीमें हमारे पास आ सकती है। ये नॉकआउट टूर्नामेंट है, इसमें टीम आउट होगी तो आउट होगी, पर नाइट के ने जीता है और उनके मुकाबले आरसीसी श्रीनगर में उनके साथ खेला लेकिन वो मैच में नाकाम रहे और नाइट के ने आज मैच को जीता। श्रीनगर और नाइट के दरमियान अच्छा मैच रहा कि यहाँ पर बहुत कम आ रही थी लेकिन ये सारा क्रेडिट जाता है लेट बिलाल अफवानी को जिसके नाम पर सोलह मैच हो रहा है, तो मैं सभी टीमों से गुजारिश करता हूँ इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें, बहुत अच्छा सभी टीमों से पार्टिसिपेट कीजिए टूर्नामेंट ग्राउंड में
तो मैं सर गुजारिश हमेशा पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करें और अच्छा देखने को मिले।